हेलो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं ये है सुषमा का घर। तो चलिए देखते हैं आज की कहानी में क्या होने वाला है। अरे आज तो मैं कितनी अच्छी दिख रही हूँ। आज तो मैं बहुत ही अच्छे से तैयार हुई हूँ। चलो अब तो मैं तैयार हो गई। अब मैं जल्दी से चलती हूँ स्कूल। मैं ही आज जीतूंगी कंपटीशन में। मैंने बहुत ज्यादा ही प्रैक्टिस किया है। मैं ही आज जीतूंगी। अरे राजू, तुम्हें इतनी हंसी क्यों आ रही है? तुम मेरे ऊपर हंस रहे हो? रुको, मैं मम्मी को तुम्हारे बारे में बताऊंगी। तुम बहुत गंदे लड़के हो। तुम्हें मेरे ऊपर हंसी आ रही? गंदा लड़का कहीं का। अरे चलो इस लड़के को छोड़ दो। वैसे भी मुझे स्कूल जाना। आज तो मेरा ड्राइंग कंपटीशन है। मेरा बैग कहाँ है? दिख ही नहीं रहा है। अरे मुझे लेट ना हो जाए, कहीं मेरी बस ना छूट जाए। अरे मम्मी जल्दी यहाँ आइए, देखिए ना मेरा बैग नहीं दिख रहा। मम्मी जल्दी यहाँ आइए ना। अरे प्रीति क्या हो गया, तुम मुझे क्यों बुला रही हो? अरे मम्मी मेरा स्कूल बैग नहीं मिल रहा, बताइए ना कहाँ है। अरे प्रीति मुझे क्या पता है, तुम बहुत देर तक रात में अपना ड्राइंग का प्रैक्टिस कर रही थी। इसी में से तो कलर बैग में से तुमने निकाला था। कहाँ बैग रख दिया? चलो मैं देखती हूँ। अरे मम्मी जल्दी से ढूंढ दीजिए, नहीं तो मेरी बस मिस हो जाएगी। मेरा ड्राइंग का कंपटीशन आपको पता नहीं है क्या मम्मी? अरे हाँ हाँ प्रीति मैं ढूंढती हूँ, तुम परेशान मत हो, यहीं पे कहीं होगा। मैं अभी ढूंढ के तुम्हें लाके देती हूँ। अरे अरे ये लड़की भी ना क्या करती है, पता नहीं कहाँ अपना बैग रख दिया। अगर इसकी बस चली जाएगी तो क्या होगा, फिर कैसे स्कूल जाएगी? ये लड़की तो कुछ समझती ही नहीं है। कहीं पे भी इसका बैग दिख ही नहीं रहा है, बेड के नीचे भी नहीं दिख रहा है। अरे बैग तो यहाँ कोने में फेंक रखी है। लड़की भी ना क्या क्या करती है, कोई भी सामान अपना सही से नहीं रखती। चलो जल्दी से मैं बैग उठा के इसको दे दूँ। वैसे भी कितना देर हो गया, इसकी बस तो चली ही गई होगी। प्रीति तुम्हारी बस तो चली गई, अब तुम कैसे जाओगी? चलो मैं सुरेश जी से बोलती हूँ, वो तुम्हें ले जाके स्कूल छोड़ देंगे। हाँ मम्मी चलिए ना जल्दी से, पापा से बोलिए मुझे स्कूल के लिए छोड़ दे, नहीं तो मैं स्कूल जाने के लिए लेट हो जाऊंगी। चलिए जल्दी से पापा से बोलिए ना। अरे हाँ प्रीति मैं चलो पापा से बोल देती हूँ, पापा तुम्हें स्कूल छोड़ देंगे, तुम परेशान मत हो, लेकिन आगे से अपनी चीजों का ध्यान रखना, ठीक है ना प्रीति? सुरेश जी सुनिए ना, ले जाइए प्रीति को, थोड़ा स्कूल छोड़ दीजिए। प्रीति की बस चली गई है, इसके बैग ढूंढने में लेट हो गया। ले जाइए इसको स्कूल, थोड़ा छोड़ दीजिए ना, नहीं से देर हो जाएगा। हाँ पापा चलिए मुझे स्कूल छोड़ दीजिए, आज मेरा ड्राइंग का कंपटीशन है, मैं स्कूल के लिए लेट हो जाऊंगी, जल्दी चलिए। अरे हाँ प्रीति चलो मैं तुम्हें टाइम पे स्कूल पहुंचा दूंगा, तुम लेट बिल्कुल भी नहीं होगी, लेकिन ध्यान रखा करो, तुम बस हमेशा छोड़ देती हो, फिर मुझे तुम्हें लेके स्कूल जाना पड़ता है। चलो जल्दी से मैं तुम्हें स्कूल पहुंचा दूंगा एकदम टाइम पे। और यहाँ पे प्रीति के स्कूल सभी बच्चे पहुंच जाते हैं, उनके पेरेंट्स भी स्कूल में पहुंच जाते हैं, तो प्रोग्राम शुरू होने का समय भी हो जाता है। एक दो बच्चे नहीं दिख रहे हैं और सारे बच्चे तो आ चुके हैं और पेरेंट्स भी आ चुके हैं, तो चलो मैं प्रोग्राम का शुरुआत करती हूँ। वैसे भी अभी 10 मिनट का समय, जो बच्चे नहीं आए हैं वो आ जाएंगे। रिस्पेक्टेड पेरेंट्स एंड डियर चिल्ड्रेंस, आप सभी का हमारे स्कूल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे स्कूल में ड्राइंग कंपटीशन है, तो चलिए मैं बताती हूँ कि आप लोगों को क्या करना है। आप लोगों को ड्रॉ करके एक पेपर मिलेगा, उसी में आप लोगों को कलर भरना है। और बच्चों आप लोगों को कलर भरने के लिए 30 मिनट का समय मिलेगा, तो चलिए देखते हैं कि आप लोगों को प्राइज में क्या क्या मिलेगा। तो फर्स्ट प्राइज ये स्कूटी है, सेकंड प्राइज ये कार है, और थर्ड प्राइज आप लोगों को ये टॉय मोबाइल मिलेगा। तो आप लोग अच्छे से कलर भरिएगा। तो बच्चों अभी कंपटीशन स्टार्ट होने में 10 मिनट का समय है, जो बच्चे नहीं आए वो लोग भी आ जाएंगे, उन लोगों को भी मैं रूल बता दूंगी। कंपटीशन शुरू होने में बस 10 मिनट का समय है, प्रीति तो अभी भी नहीं आई है। प्रीति तो कितना लेट कर देती है, जब भी कुछ प्रोग्राम होता है तो प्रीति तो लेट ही रहती है। लड़की भी ना कभी नहीं सुधरेगी। तभी प्रीति और प्रीति के पापा स्कूल पहुंच जाते हैं। चलो प्रीति हम लोग स्कूल आ गए, अब जल्दी से तुम बाइक से उतर जाओ, मैं बाइक को किनारे खड़ा करके आता हूँ, ठीक है ना प्रीति? उतरो जल्दी से। हाँ हाँ पापा मैं उतरती हूँ, आपने तो मुझे टाइम पे पहुंचा दिया, नहीं तो मैं लेट हो जाती तो मैं कंपटीशन में भाग भी नहीं ले पाती। और प्रीति बाइक से उतर जाती है, उतर के वो भी जाके सभी बच्चों के साथ बैठ जाती है। तो बच्चों अब समय भी हो गया और सभी बच्चे आ भी चुके हैं, तो अब आप लोगों को ड्राइंग शीट मिल रहा है, आप लोग 30 मिनट में इसमें कलर भर दीजिएगा, ठीक है ना बच्चों? प्रोग्राम शुरू हो जाता है, तभी वहां सुषमा और सुरभि भी आ जाते हैं। अरे दीदी चलिए जल्दी से, देखिए ना प्रोग्राम शुरू हो गया, चलिए हम लोग लेट नहीं हुए, नहीं तो प्रीति गुस्सा हो जाती। चलिए अब हम लोग जल्दी चल के बैठ जाते हैं। तो बच्चों आप लोगों का समय स्टार्ट होता है, आप लोगों को कलर और ड्राइंग शीट मिल चुका है, अब आप लोग 30 मिनट में इसमें कलर भर दीजिएगा। तो चलिए अब जल्दी जल्दी इसमें कलर भरना शुरू करिए। ओके मैम, ओके मैम।
अरे प्रीति, आज हम ही दोनों में से किसी को फर्स्ट प्राइज मिलना चाहिए, ठीक है ना प्रीति? अच्छे से कलर करना, मैं भी अच्छे से कलर करूंगी, मैंने बहुत ही प्रैक्टिस किया है। हाँ मीनू, मैंने भी बहुत प्रैक्टिस किया है, हम ही दोनों को किसी को भी फर्स्ट प्राइज मिलना चाहिए, ठीक है ना? अरे तुम लोग क्या बात कर रही हो, तुम मेरे होते हुए तुम लोगों को फर्स्ट प्राइज मिलेगा, देखना मैं ही जीतूंगा। अरे अरे राहुल, तुम तो बिल्कुल भी नहीं जीतोगे, देखना मैं या मीनू ही फर्स्ट प्राइज जीतेंगे। अरे प्रीति चलो, अब समय हो गया, राहुल को छोड़ देते हैं, चलो हम लोग जल्दी से कलर भरते हैं, नहीं तो हमारा लेट हो जाएगा, हम लोग का कलर पूरा नहीं हो पाएगा। अरे मीनू चलो, सच में हम लोग कलर भरते हैं, जल्दी जल्दी हम लोग अपना कलर पूरा कर लेते हैं, नहीं तो टाइम खत्म हो जाएगा। और सभी बच्चे अपने ड्राइंग शीट में कलर भरने लगते हैं। अरे प्रीति, मुझे तो फ्लावर मिला है, मैं तो इसमें कुछ अच्छे से कलर भरूंगी, जल्दी से चलो मैं कलर भर लेती हूँ। राहुल ने बहुत प्रैक्टिस किया है, इसीलिए राहुल ही फर्स्ट प्राइज जीतेगा, मुझे पूरा यकीन है, वही स्कूटी जीतेगा। अरे क्यों राहुल जीतेगा, मेरी पिंकी जीतेगी, देखना मेरी पिंकी ही जीतेगी। अरे पिंकी क्यों जीतेगी, राहुल ही जीतेगा, देख लेना राहुल को ही स्कूटी मिलेगी। अरे देखना पिंकी ही जीतेगी, कुछ देर में तो आपको पता ही चल जाएगा। अरे आप लोग आपस में इतना लड़ क्यों रही हैं, कुछ देर में तो खुद ही पता चल जाएगा कौन बच्चा जीतेगा, शांति से बैठिए ना। हाँ हाँ ठीक है बहन जी, ठीक है हम लोग शांति से बैठते हैं। अरे सुषमा जी, प्रीति ने तो बहुत ही प्रैक्टिस किया है, प्रीति ही फर्स्ट प्राइज जीत जाती तो कितना अच्छा होता, इसको स्कूटी मिल जाता। अरे सुरेश जी, शुभ ने भी तो भाग लिया है, प्रीति या शुभ कोई भी जीत जाए, घर में ही स्कूटी आ जाएगा तो बहुत ही अच्छा होगा। अरे सुषमा, शुभ क्या जीतेगा, शुभ को मैंने कितना समझाया कि कलर करना सीखो, प्रैक्टिस करो, लेकिन शुभ ने तो बिल्कुल भी प्रैक्टिस नहीं किया। और सभी पेरेंट्स बैठ के आपस में बातें करते रहते हैं कि कौन से बच्चे को फर्स्ट प्राइज मिलेगा। अरे अरे राहुल, मैं कब से देख रही हूँ तुम मेरा ड्राइंग शीट बार बार हिला रहे हो, तुम क्या चाह रहे हो, मेरा कलर खराब हो जाए, मुझे जीतने नहीं देना चाहते हो ना? अब हिलाओगे तो मैं मैम से शिकायत कर दूंगी, मेरा बस होने ही वाला है। अरे तुम्हारा तो होने वाला, मेरा तो देखो हो गया है, मैं तुम्हारा क्यों हिलाऊंगा, तुम गंदी हो, तुम झूठ बोलती हो, मैंने कुछ भी नहीं किया। मैं झूठ नहीं बोलती, तुम बार बार हिला रहे हो, तुम्हारा पूरा हो गया तो तुम शांति से बैठे रहो, अब मेरा हो जाने दो, ठीक है ना? बच्चों अब तुम लोगों के पास 2 मिनट का समय और है, अगर तुम लोगों का पूरा नहीं हुआ है कलर तो जल्दी से पूरा कर लो, उसके बाद अपनी ड्राइंग शीट जल्दी से मेरे पास लेके आओ, ठीक है ना बच्चों? जल्दी जल्दी अपने कलर को पूरा करो। और समय खत्म हो जाता है, सभी बच्चों का कलर भी पूरा हो जाता है। हमारा कलर पूरा हो गया, हमने कर लिया, हमारा पूरा कलर हो गया, सभी बच्चों का ड्राइंग शीट मेरे पास आ चुका है। तो चलिए मैं एक एक करके दिखाती हूँ कि कौन सा ड्राइंग शीट किसका है। तो चलिए मैं दिखाती हूँ सबसे पहले कि कौन सा किसका है और कौन बच्चा जीता है। सबसे पहला ये पिंकी का है, उसके बाद सोनम का है, सोनम के बाद टीना का है, टीना के बाद ये शुभ का है, शुभ के बाद ये फ्लावर मीनू का है, मीनू को थर्ड प्राइज मिलता है। अब ये टैडी है वो राहुल का है, राहुल को सेकेंड प्राइज मिलता है। और सबसे आखिर में ये प्रीति का है, प्रीति का ज़्यादा कलरफुल है और डार्क है, इसीलिए प्रीति को फर्स्ट प्राइज जाता है। अरे अरे मैं तो जीत गई, मैं तो स्कूटी जीत गई, अरे बाप रे मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा है, मैं तो जीत गई। अरे मैं भी तो ट्रॉय कार जीता हूँ, मैं भी तो जीत गया, मैं भी तो सेकेंड आया हूँ, मैं भी थर्ड आ गई, मैं भी जीत गई टॉय मोबाइल, अरे मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तो जो बच्चे फर्स्ट सेकेंड और थर्ड आए हैं, तीनों बच्चे स्टेज पर आ जाएं और अपनी अपनी प्राइस को ले लें। तो बच्चों जल्दी से स्टेज पर आ जाओ तुम लोग। सभी बच्चों को अपनी अपनी प्राइस मिल जाती है, सभी पेरेंट्स खुश हो जाते हैं और बच्चों के लिए तालियां पीटते हैं। तो प्रोग्राम यहीं पे ख़त्म होता है, सभी पेरेंट्स और बच्चे अपने घर पे जा सकते हैं। तो दोस्तों अगर आज की कहानी आप लोगों को अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसी ही प्यारी प्यारी कहानियां मैं आप लोगों के लिए लाती रहूंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।